प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप सब देख रहे हैं टैरो राशिफल विद सुनिधि। बात करने जा रहे हैं हम 20 अगस्त के राशिफल के बारे में, बट शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को लव टिप्स से। तो अगर आपको लगता है रिश्तों को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलेशनशिप में दरार आ रही है, उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था, तो आप क्या करें? अगर ये आप हस्बैंड वाइफ मिलके करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 6 शुक्रवार लगातार आपको खीर बना के अपने हाथों से लोगों को खिलानी है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आपको खिलानी है, खीर खिलानी है 6 शुक्रवार लगातार। इससे आपके रिश्तों में आ रही कड़वाहट जो है वो दूर होने शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने राशि फल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। एरिस राशि वालों, कैसा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन? आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आज के दिन आप इन्जॉय तो करें बट साथ में चैरिटी ज़रूर करें। आज के दिन पैसों में से निकाला गया पैसा और उसको दान स्वरूप दिया जाए या कुछ कहीं अच्छी जगह दिया जाए तो बहुत आपके लिए वो फलेगा। आज के दिन पैसों में आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है, यानी कि आज के दिन आपके पैसों के रास्ते खुल रहे हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले दिनों में फाइनेंशियल गेन्स आपके पास दिख रहे हैं मेष राशि वालों। बट आज का दिन जो अगर आप कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं मदद की ज़रूरत है तो आज आपको मदद मिलेगी। आप भी किसी के लिए आज एक हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए आज दिन कह रहा है। जैसे मैंने बोला, उपाय के रूप में आज कुछ ना कुछ दान ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आज पीठ पीछे लोग आपकी बात करेंगे, कहीं ना कहीं धोखे का दिन दिख रहा है। लोग, हो सकता है जिनको आप अपना समझ रहे हो वही आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। मेंटली बहुत बढ़िया दिन नहीं है, थोड़ा सा अकेलापन का शिकार हो सकता है, अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लोगों की बातों का हर्ट हो जाएगा। तो मेंटली थोड़ा सा आज आपको अपने पे काम करना है। आज 21 बार आपको ओम का जाप करना है ताकि मेंटल लेवल थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। मिथुन राशि जेमिनाइज आपकी बात करें तो एम्परर आपका कार्ड है। आज आप काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी रहने वाली है, जो ठान लिया तो ठान लिया, जो बोल लिया तो बोल लिया। आज आप अपनी बात में खड़े रहने वाले हैं, आज आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे और काफ़ी एक पावरफुल आपकी आज पर्सनालिटी रहेगी और आप बहुत स्ट्रांग रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा। कहीं भी जाएंगे बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे, लोग आपकी पर्सनालिटी से भी इम्प्रेस हो सकते हैं। तो आज के दिन कोई बड़े डिसीजन ले सकते हैं, उस डिसीजन को, उस निर्णय को सब अप्रिशिएट भी करेंगे। आज का दिन आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आज के दिन सूर्य भगवान को नमस्कार ज़रूर कीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा। करेक्ट राशि वालों, कैंसेरियंस आपकी बात करें तो आपके लिए 6 ऑफ वांड्स आया है। तो आज अच्छा दिन जाता हुआ दिख रहा है, लोग आपको फॉलो करेंगे। हो सकता है आप जो ट्रेंड बनाए उसको सब फॉलो करें, जैसे कपड़े पहने लोग भी उसको, लोग उससे बहुत इंप्रेस हो। तो आज आप एक लीडर के रूप में दिख रहे हैं, यानी कि अगर किसी पार्टी में भी जाते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, एडमायर करेंगे। आज आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आज कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं, इन्जॉय भी कर सकते हैं, तो लोग आपके उस इन्जॉयमेंट से भी इंस्पायर होंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी आज स्ट्रांग रहने वाली है, अच्छा दिन जाने वाला है। अच्छा, जो सोचेंगे, जो भी काम करने चाहेंगे आज कर लेंगे, जिन लोगों से मिलने का सोचेंगे वो मिल लेंगे। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए कर्क राशि वालों दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, मूड भी आपका आज अच्छा रहने वाला है। आपको क्या करना है, आज का दिन आपको धन का दान ज़रूर देना है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। लियोज आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल है। आज के दिन आपको हर चीज़ की मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन आपको, हो सकता है कि आपको संडे का दिन होने के बावजूद भी आपको लगे यार आज तो मेरे को मैं तो रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो एफर्ट ही लगाता जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज फ्री कम बैठेंगे और आज कुछ ना कुछ करते ज़रूर दिखेंगे। घर में कुछ उसको ठीक करने का हो, या कुछ ना कुछ छोटा खाना बनाने का हो, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का हो, तो कुछ ना कुछ आज आपके पास काम रहने वाला है। तो आज रिलैक्स कम और काम ज़्यादा आप करते हुए दिख रहे हैं। आज उपाय के रूप में कोई फल का दान ज़रूर दीजिएगा, येलो कलर के फल जैसे बनाना हो गया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या वर्ग और राशि वालों, 5 ऑफ कप्स। थोड़ी सी निराशा आज हासिल हो सकती है। आज में भी आप प्लान बनाएं और कोई उसको ना माने, या जैसे आप दिन बिताना चाहें ना करें, आप मूवी का प्लान बनाएं ओ माय गॉड और लोग देखने चले जाएं दूसरी मूवी, तो कहीं ना कहीं ऐसा रह सकता है कि जो आप प्लान बनाएं वो पूरा ना हो, जैसा आप चाहें दिन को स्पेंड करना वैसे ना हो, तो आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा
मन निराश आज आपका हो सकता है। आज आपको क्या करना है, आज आपको तुलसी माँ के आगे घी का दिया दीपक जलाना है। लिब्रंस तुला राशि वालों, आपके लिए 10 of Wands, आज बहुत सारा प्रेशर ले लेंगे। अगर घर को सफाई करने का प्रेशर ले सकते हैं, कबर्ड्स क्लीन करने का, बच्चों को घुमाने का, तो आज आप अपने दिमाग में बहुत बोझ ले सकते हैं जो नहीं लेना है। आज दिन को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। आज हो सकता है इतना काम दिमाग में ले लें कि आज पता ही ना चले दिन कब शुरू और कब खत्म हो गया है। तो थोड़ा सा आराम से आज दिन को स्पेंड करिएगा, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालेगा। हो सकता है कि आप लोगों को ही खुश करने के चक्कर में अपने लिए टाइम ना निकाल पाएं। आज आज आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। स्कॉर्पियंस बात करें वृश्चिक राशि वालों, आपके तो 9 of Swords आपके लिए कार्ड आया है। तो थोड़ा सा आज आप हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों की मदद करना चाहें ना कर पाएं, जो कदम उठाना चाहें ना उठा पाएं, जो डिसीजन लेना चाहें ना कर पाएं, तो आज थोड़ी सी हेल्पलेस वाली फीलिंग आ सकती है। आपको लगेगा कि आप मजबूर हैं, आप जिन लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी निराशा की फीलिंग आज आपके दिन में आ सकती है। आपको आज क्या करना है, आज आपको संध्या काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। धनु राशि वालों, सेजिटेरियस आपकी बात करें तो आपके लिए क्या कार्ड आया है, आपके लिए 4 of Pentacles आया है। तो आज हो सकता है आप सोचे कि मैं पैसा नहीं खर्चूंगा, कहीं बाहर जाके भी आप थोड़ा पैसे बचाने की सोचें, या आज आप थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने की कोशिश करें। आज थोड़ा सा आप लोगों से अलग रहने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा लोगों की थोड़ी ऑपोजिट जाने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों की थोड़ा सा आज आप अपनी धुन में ही सवार रहेंगे। आज हो सकता है कि आपको लगे यार मैंने अपनी एनर्जी, अपना पैसा बचा के रखना है, मैंने ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो थोड़ा सा आज आप थोड़ी सी चीज़ों को ज़्यादा संभाल के रखने की कोशिश करेंगे और दिन थोड़ा सा आज आपका लेजी भी जा सकता है। आज आपको क्या करना है, धन का दान देना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप रिवर्स। आपके लिए इमोशनली बहुत बढ़िया दिन नहीं लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि वालों थोड़ा सा इमोशनल डाउन हो सकता है, अप एंड डाउन जाएगा। थोड़ा आपको तबीयत का भी ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है मकर राशि वालों। हेल्थ वाइज थोड़ी सी चीज़ें आपकी आज ऊपर नीचे जाएंगी, पेट संबंधित चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं, स्टमक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज क्या करना है, आज किसी ज़रूरतमंद को धन का दान जरूर दीजिएगा। एक्वेरियंस बात करें कुंभ राशि वालों, आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं, इसो वॉन्ड आपके लिए कार्ड आया है। तो आज का दिन अच्छा है कुछ अच्छा काम करने के लिए, आज अच्छा दिन जाता हुआ दिख रहा है। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जो सोचेंगे वो कर लेंगे, जिस तरह से दिन को बिताना चाहेंगे बिता लेंगे। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। आज भगवान शिव को चंदन अर्पित जरूर कीजिएगा। आखिरी राशि की बात करें तो पाइसिन्स आपके लिए कार्ड आया है फूल। तो आज आप बहुत मस्ती में रहने वाले हैं, आपको किसी की परवाह नहीं रहने वाली मीन राशि वालों। आज आप अपने मन की करेंगे, लोगों की नहीं सुनेंगे, सुन भी लेंगे तो करेंगे अपने मन की, सुनेंगे सबके बट करेंगे अपने मन की। आज आप काफ़ी अपने में इंजॉय करने वाले हैं, अपनी कंपनी को इंजॉय करेंगे, यानी कि जो भी आज अपने लिए आप सोचेंगे, अपने लिए टाइम आज आप निकालेंगे, आज अपने आप को पैम्पर करने का दिन लग रहा है, अपने आप को खुश करने का दिन लग रहा है। तो आज हो सकता है आप अपने लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएं और आज आपकी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति भी बेटर लग रही है। आज आपको क्या करना है, गुड़ का दान देना है। तो ये था हमारा टैरो राशिफल आज का दिन का। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।